वेलकम टू हमारी रसोई। आज मैं बनाने जा रही हूँ बीटरूट की सब्जी। इसके लिए मैंने बीटरूट को ऐसे फाइन ग्रेट कर लिया है फाइनली। उसके बाद मैं इसको हाथ से ऐसे निचोड़ के इसका पानी पूरा निकाल दूंगी, फिर इसको वॉश करूंगी ताकि इसका एक्स्ट्रा कलर निकल जाए। देखिए ऐसे हाथ से दबा के इसका सारा पानी निकाल देंगे। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से वॉश करके इसका पानी बिल्कुल स्ट्रेन कर लिया है। अब इसे हम पकाएंगे। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल ले लिया है। इसमें मैं 5-6 रेड चिली डालूंगी और इसे गोल्डन ब्राउन कर लूंगी और फिर निकाल लूंगी। ये देखिए रेड चिली फ्राई हो गई है। अब इसे मैं निकाल लूंगी। और सेम ऑयल में 1.5 टेबलस्पून ये चॉप गार्लिक है इसे डाल दूंगी। गार्लिक से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इसे भी ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। देखिए गार्लिक ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब इसमें मैं एक स्मॉल अनियन को मैंने एकदम बारीक बारीक चॉप किया था वो डाल दूंगी। इसे ट्रांसल्यूसेंट होने तक पकाएंगे। यहाँ पर देखिए प्याज भी ट्रांसल्यूसेंट हो गई है। अब इसमें मैं बीटरूट डाल दूंगी। मिक्स करेंगे फिर। इसे मिक्स करके 2 से 4 मिनट तक ये अच्छे से पकाएंगे। ये देखिए इसे भूनते हुए 2-3 मिनट हो गए। अब इसमें मैं 2 चॉप टमाटो डाल दूंगी। फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे और भूनेंगे जब तक टमाटो सॉफ्ट नहीं हो जाते। ये देखिए यहाँ पर टोमेटो सॉफ्ट हो गए। अब इसमें मैं 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर डालूंगी, सॉल्ट डालूंगी अकॉर्डिंग टू टेस्ट। मिक्स करेंगे अच्छे से। अब इसमें मैं वो जो गोल्ड रेड चिली मैंने फ्राई करके निकाली थी उसे हाथ से ही ऐसे क्रश कर लिया है, इसे भी इसमें डाल दूंगी। मिक्स करेंगे उसे भी।
जैसे ढककर पकाएंगे जब तक बीटरूट गल नहीं जाता। ये देखिए बीटरूट की सब्जी बिल्कुल रेडी है, इसे मैं अब हरा धनिया से गार्निश करूंगी। ये देखिए बीटरूट की सब्जी की मैंने प्लेटिंग कर दी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।